How to edit like Iman Ghazi in DaVinci Resolve. Today we learn this effect. First of all, vignette. Iman Ghazi की videos में आपको last corners में vignette देखने को मिलता है. Simple आपको effects में जाकर V search करना है और OpenMX में जाके vignette को drag and drop कर देना है आपके clip के ऊपर. यहाँ पर आपको फिर inspector में जाना है और यहाँ से आपको size और उसकी strength को आप यहाँ पर control कर सकते हैं. सबसे पहले आपको size को इतना कर लेना है और जो atmosphere इसे भी थोड़ा सा adjustment कर लेना है. मैं +2.214 पर जा रहा हूँ. फिर आपको अपीयरेंस में मिलेगा सॉफ्टनेस. इसकी सॉफ्टनेस को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, या हार्ड या सॉफ्ट. तो हमें इतना चाहिए बस. फिर आता है लोअर थर्ड कॉन्ट्रास्ट. सेकेंड, आपको जनरेटर्स में जाकर एक सॉलिड कलर लेना है जिसका कलर होगा ब्लैक. फिर इसकी सेटिंग्स में जाकर वाई पोजिशन को चेंज करना है. इसको हाफ तक ले आना है, हमें ज़्यादा नीचे हो गया, हम इसे हाफ रखेंगे. फिर आपको सिंपल सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा देना है, माइनस में कर लेना है. क्रॉपिंग में जाके इसकी सॉफ्टनेस को करना है माइनस. अगर ये ज़्यादा ही डाउन जा रहा है सॉफ्टनेस हमें जितना चाहिए उसके बावजूद, तो फिर हम इसे थोड़ा हल्का जूम कर देंगे. इतना करने के बाद आपका आधा काम यहाँ पर हो चुका है. हमने सॉफ्टनेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया बढ़िया से. फिर हम जाएंगे वीडियो ट्रांजिशन में और या फिर स्लाइड अप वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम लगा देंगे. अभी जैसे इमान गाजी की वीडियोज़ में आपको दिखता है कि नीचे से एक शैडो ऊपर आती है जब कुछ इमेजेस ऊपर आती है, तो ये हमारे यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुका है. अब इसी स्लाइड अप को हमें आगे यूज़ करना है सब इसमें. देखिए सिंपल, कितना इजी तरीके से ये हो गया. इसके अंदर हमें कोई की फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही और कुछ हमने किया है. सिंपल एक स्लाइड अप वाला ट्रांजिशन लगा दिया और काम हो गया. अभी हमें यहाँ पर लगाना है एक स्क्रीनशॉट. जैसे कि अभी हम करना क्या है, इमेज एनिमेशन करना है. इसके अंदर थर्ड आता है हमारा इमेज एनिमेशन. तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है आपके यूट्यूब चैनल का. लेकिन आपको बैकग्राउंड में जो है ब्लैक थीम यूज़ करना है, डार्क थीम यूज़ करना है. विंडोज़ की शॉर्टकट की आपको यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर दिख रही है, इसे प्रेस करने से आप स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैक के बारे में मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं. फिर आपको सिंपल उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर टाइमलाइन में लेके आना है. इसकी आपको एडजस्टमेंट कर लेना है. ओके इतना होने के बाद आपको सिंपल इंस्पेक्टर में जाके इसकी वाई पोजीशन और जूम को आपको एडजस्टमेंट कर लेना है कि हमें कितना इमेज इसके अंदर दिखना चाहिए. इसकी वाई पोजीशन को हमें डाउन करना है क्योंकि ये बॉटम से ऊपर आने वाला है एनिमेशन. बट अगर हमें ये तीनों इमेजेस सेपरेट नहीं है, सिंपल एक में है, तो सिंपल हमको इफेक्ट में जाके ओपन एक्स में जाकर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है क्योंकि हमें तीनों इमेज को सेपरेट बनाना है. या आप अलग से मोबाइल के अंदर या फोटो एडिट करने वाले एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं, बट हम पूरा काम DaVinci Resolve के अंदर ही करने वाले हैं. सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपको जाना है इंस्पेक्टर के अंदर और यहाँ से आपको जाना है इमेज एडजस्टमेंट और क्रॉप को ओपन. जैसे कर ओके कर देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉप हो चुका है. तो आपको क्या करना है, ये बॉटम वाले को जब माइनस में लेके जाना है. अभी -500 ले जाने के बाद हमारा पूरा इमेज यहाँ पर खुला है. एज को राउंड कर देना है यहाँ से हल्का सा. बट अगर आप देख रहे हो तो ये एक साइड का ही राउंड हुआ है. तो आपको क्या करना है, पहले तो राइट से पूरा हमें इमेज को क्रॉप करना है क्योंकि हमें सिंपल आगे वाला एक इमेज रखना है. और ये ऊपर से इसके एजेस जो है पूरे राउंड अप नहीं दिख रहे, तो हम सिंपल थोड़ा सा टॉप वाले को भी हम यहाँ से क्रॉप करने वाले हैं. अभी हम यहाँ से टॉप को भी करेंगे हल्का. ये टॉप को करने से ये राउंड हमारा इमेज आ चुका है. पूरा काम इसके अंदर हो गया. अभी ऐसे ही हमें सभी ही जो बाकी के दो इमेजेस बचे उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही हमें करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें और फिर से दो स्क्रीनशॉट को यहाँ पर इमेज टाइमलाइन को ले लेंगे, टाइमलाइन में ले लेंगे. फिर सेम हम इसके अंदर करेंगे. अभी राइट से हम इसे क्रॉप करना है, लेफ्ट से राइट से दोनों साइड से हमें करना है क्योंकि ऊपर से जो राउंड वाला है नीचे से राउंड वाला तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है. अभी हम इसको लेफ्ट से करेंगे क्योंकि हमारा ये सेकेंड इमेज है, सेकेंड लेयर पर. देखिए यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका है. सेम आपको इसका यही सेम प्रोसेस आपको तीसरे पर भी करना है. मैं इसको एडिट कर देता हूँ. बट अभी हमें इसे क्या करना है, कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर लेंगे. आप कंपाउंड क्लिप क्यों कर रहे हैं आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में. पहले आप कंपाउंड क्लिप को कर लीजिए पीक वन करके क्रिएट. सेम ऐसे आपको पीक टू और पीक थ्री कर लेना है, जो तीन इमेज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं एनिमेशन होके. इसे पीक टू सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेंगे. सेम आपको तीसरे के साथ भी करना है. ओके इतना करने के बाद आपको इसके ऊपर पुश इफेक्ट लगा लेना है इसके ऊपर. ठीक है, पुश इफेक्ट मैंने इसके ऊपर लगा दिया है कंपाउंड क्लिप के ऊपर और इसे पुश अप करेंगे. अभी जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये ऊपर तो एनिमेशन हो रहा है बट इसके अंदर मोशन ब्लर नहीं है. तो सिंपल आप उसे सिलेक्ट करके रखिए और मोशन ब्लर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए. ट्रांजिशन के अंदर ये सब मिल रहा है आपको ऑप्शंस. यहाँ पर बढ़िया से हो रुका है. अब सेम प्रोसेस आपको तीनों वीडियोस के साथ करना है कि ज़रूरत नहीं है. सिंपल अल्ट करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है. आपका जो ट्रांजिशन है दोनों पीक्स के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा. अभी देखिए हमारा एनिमेशन लगभग यहाँ पे बन चुका है.
मोशन ब्लर के साथ में, बट ब्लैक डॉट ओवरले हमें इसके ऊपर अभी लगाना है, ये वाला। इमान गाजी की वीडियोस में ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो नीचे से इमेजेस एनिमेशन होके आ रहे उसके ऊपर। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर जाके सर्च करना है ब्लैक डॉट ओवरले, जो पहला ऑप्शन आएगा उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप कैसे करेंगे वो आप जाने। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस कंपाउंड क्लिप को ओपन इन टाइमलाइन करना है। ओपन इन टाइमलाइन करने के बाद आपको इसे यहाँ पर लाना है, इस ओवरले को, वीडियो को, और बस देखिए एडजस्टमेंट कर लेना है यहाँ पे। फिर हमको जाना है कंपोजिशन मोड, इसका जो है स्क्रीन रखना है, ओके, ये भूलना नहीं। कंपोजिशन मोड स्क्रीन रखेंगे तभी जाकर ये आपकी इमेज के ऊपर नहीं आने वाला है। कंपोजिशन मोड आपको यहाँ से स्क्रीन कर लेना है, इंस्पेक्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है सिंपल। अब उसी वाले ट्रांजिशन को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें सेम उसी के ऊपर लगाना है। इसकी साइज हमने एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है। अभी जब हम इस एनिमेशन को प्ले करेंगे, देखिए हम यहाँ से आपको प्ले करके दिखा रहे हैं, तो ये उसी एनिमेशन के साथ में नीचे से ऊपर ये पुश एनिमेशन में आने वाला है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी हमें क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें दूसरे और दो इफेक्ट्स, दो इमेजेस के ऊपर भी इसे लगाना है। तो सिंपल हम यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, और फिर हम जाएंगे टाइमलाइन वन के अंदर। टाइमलाइन वन को यहाँ पे दो बार क्लिक करना है, ठीक है। फिर हम जाएंगे पीक टू के अंदर, इसे भी ओपन इन टाइमलाइन करेंगे, ये अलग से सेपरेट टाइमलाइन ओपन, क्योंकि ये कंपोजिशन क्लिप है। तो यहाँ पे हम सिंपल उसे पेस्ट कर देंगे, और इसकी हम लेंथ जैसे चाहे वैसे बढ़ा लेंगे यहाँ से, जितना हमारा पीक का इमेज है। और जिसकी पोजिशन जो है, ये देखिए फर्स्ट इमेज के ऊपर इसको सिलेक्ट कर रखा पहले से, तो हम सिंपल इसको ड्रैग एंड इधर करेंगे साइड में, सेकेंड वाली इमेज के ऊपर। अभी यहाँ पर आसानी से हो गया। अभी ये एनिमेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जो ट्रांजिशन है ये हमारे कंपोजिशन मोड के ऊपर लगा रखा है। अब यहाँ पे अगर हम प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए नंबर एक हो गया और सेकंड वाला आएगा, उसके ऊपर भी आपको वो ओवरले देखने को मिल रहा है। सेम थर्ड वाले के साथ आपको करना है, दोबारा से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने वीडियो तो देख ही रहे कैसे करना है। अभी कुछ नहीं, देखिए पूरा आपका एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल इसको हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। सिंपल हम इसे जाएंगे डिलीवरी मोड में एक्सपोर्ट कर देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डैविंची रिज़ॉल्व के आगे ट्यूटोरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। आपको रिकमेंड वीडियो हो रहा है, एक प्लेलिस्ट रिकमेंड हो रही है, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे वीडियोज़ मेरे चैनल पर है, यहाँ से आगे भी आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।